आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो पंजाब का किसान डटा हुआ है बॉर्डर पे, इस देश के किसान के आपने पानी की बौछार अगर एक भी अंगुली लगाई, पूरे भारत का किसान दिल्ली पहुंचेगा। ये बहुत बड़ी गलती कर दी इन्होंने, बहुत बड़ी गलती कर दी इन्होंने। कितना भी जुर्म कर लो तुम सत्ता के गलियारों से, अरे जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। ये ऐसी चिंगारी इन्होंने देश के अंदर छेड़ दिए, भारत देश के किसान को, जिन्होंने लॉकडाउन के अंदर घरों के अंदर बैठे बैठे लोगों को भी इन्होंने रोटी खिलाने का काम किया, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाला काम नहीं है। इन्होंने किसान के ऊपर गोली बंदूक, हमारा सीना बिल्कुल तैयार है, आप गोली मारो हमें, हम देश के अन्नदाता हैं, बिल्कुल भी झुकने वाले नहीं है। और आपको एक और देर बता देना चाहता हूँ, कितना भी जुर्म कर लो तुम सत्ता के गलियारों से जरा जरा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। अभी बताया था मैंने, इन्होंने जो एक ऐसी आवाज दिल्ली के अंदर से उठाई थी, वो आवाज पूरे भारत देश के अंदर पहुंच चुकी है। हमारे राष्ट्रीय महासचिव बेगराज गुर्जर जी ने, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूं युवा मोर्चा, एक आवाज दी है और बताया कि आज की यहां मीटिंग के बाद में जो भी निर्णय लिया जाएगा, हम पूरे जोश खरोश के साथ दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। माझी तेरी कश्ती के तरफ गार बहुत है, कुछ इस पार मगर उस पार बहुत है। जिस शहर में खरीदी है तुमने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थरों के खरीदता बिल्कुल भी बर्दाश्त करा नहीं जाएगा। ये तो इन्होंने मजाक बना दिया है कि देश का किसान अपनी आवाज उठाए, बिल्कुल उस आवाज को दबाने का काम करते हैं, डराने का काम करते हैं, बिल्कुल भी हम ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आप लोग, मैं बता रहा हूँ, जीत पक्की है। ऐसी आवाज कृषि मंत्री कहता है 3 दिसंबर में बात करूंगा, क्या मतलब? देश का मालिक दिल्ली के गेट पे बैठा है और वो कहता है 3 दिसंबर में बात करूंगा। 3 दिसंबर में नहीं, किसानों ने दिखाया अपना जलसा, कह दिया आ जाओ वार्ता को, अभी आ जाओ, अभी क्यों? और फिर कहना चाहूंगा कि अपनी दोनों मुट्ठी बीच के आप देश के मालिक बैठे हो यहाँ। ये जो भाग रहे हैं ना एक्सप्रेस वे, कभी लेडी गागा नाच रही है, कभी गाड़ी भाग रही है, ये हमारी जमीन पे है, हमारी छाती पे हवाई जहाज चलेगा और हमें गोली और बंदूक मिलेंगे, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। सर बताएं कहां से आप लोग आ रहे हैं और क्या कार्यक्रम है आज यहां? आज हमारा जो किसानों को उत्पीड़न बॉर्डरों पे किया जा रहा है, जो किसान दिल्ली में अपनी बात कहना चाहता है, जो किसानों के बगैर मर्जी के जबरदस्ती जो 3 अध्यादेश थोपे गए हैं उसके खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, उसको समर्थन देने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और हम नोएडा से आए, यहाँ से हम दिल्ली कूच करेंगे, सभी लोग अपने किसान साथियों के साथ जाकर के दिल्ली में प्रधानमंत्री का दरवाजा खटखटाएंगे, अपनी बात रखेंगे। ये 3 अध्यादेश जो व्यापारी वर्ग है, जो धन्ना सेठ है, उनको रईस करने के लिए किया गया, किसानों का दम निकालने के लिए किया गया है, ये सरासर अन्याय है। जब जमाखोरों की पूरी छूट दे दी जाएगी और जमाखोरी की पूरी छूट, MSP नहीं रहेगा और जमाखोरी कितनी भी करो, उसका रिजल्ट अभी हमने देखा है। हमारी मक्की का रेट जो 2400 रुपये था, 900 रुपये किसान को बेचनी पड़ी है, 4000 रुपये की धान किसान को 1500 से 1600 रुपये में बेचनी पड़ी है, इसका असर किसानों को भुखमरी। किसान पहले से ही इतना गरीब है, किसान पहले से ही कर्ज में डूब कर फांसी लगा रहा है, अन्याय किसान के साथ किया जा रहा, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय महासचिव बेगराज गुर्जर, इसके लिए हमारी टीम पूरी तैयार है लड़ने के लिए। बेगराज गुर्जर जिंदाबाद, बेगराज गुर्जर जिंदाबाद। मैं विकास गुर्जर, भारतीय किसान यूनियन भानु का प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा। हम इस काले कानून के विरोध में डटे हुए हैं, हमारी पूरी टीम आदरणीय बेगराज गुर्जर जी के साथ नोएडा से हम यहाँ लोग पहुंचे हैं उनको समर्थन देने के लिए। और जो हरियाणा का किसान, मध्य प्रदेश का किसान, राजस्थान का किसान और पूरे उत्तर प्रदेश का किसान दिल्ली पहुंच रहे, बिल्कुल पहुंचेगा। और हम इनको बता देना चाहते हैं, तो कितना भी जुर्म कर लो तुम सत्ता के गलियारों से जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। ये भारत देश का किसान है जो पूरे देश का पेट भरता है और ये इन पर गोली और बंदूक चला देते हैं, बिल्कुल मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है। तू कर ले सितम, तेरी ताकत जहां तक है, तुमसे वफा होगी, उन्हें होगी, जिन्हें होगी। अरे हमें तो ये देखना है तुम जालिम का।